Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे दोस्त बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में सुभान आपका भाई हाजिर है। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, आज की वीडियो स्पेशली जेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जो आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली जेंट्स के लिए, और लेडीज़ भी देख सकती हैं क्योंकि बहुत से लेडीज़ के भाई, उनके हस्बैंड जिनका रंग डल है और रंग ख़राब हो चुका है, दाने चेहरे पे निकले हुए हैं पिगमेंटेशन की वजह से, तो वो वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो क्रीम आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ उसके रिजल्ट्स बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं, और एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो स्पेशली जेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपने क्रीम को यूज़ करना है और इसके बड़े कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये मेरे सामने मौजूद है नाविया ब्यूटी क्रीम, ये जैसा कि आप देख सकते हैं जेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जेंट्स की स्किन को बहुत सूट करती है क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स की स्किन में फ़र्क होता है। जो जेंट्स की स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी रफ भी होती है, लेडीज़ की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। तो लेडीज़ ये यूज़ ना करें। हाँ, जिसकी जिन लेडीज़ की जो है वो स्किन हार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेहतर। तो आप इसके साथ आपने लेना है ये नाविया का फेस वाश ले लें, नाविया का ले लें या किसी और कंपनी का भी फेस वाश यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। नाविया का फेस वाश ले लें, ये देख सकते हैं मैंने क्रीम को अनबॉक्स कर लिया है। जब आप क्रीम को खोलेंगे तो ये देखें, ये क्रीम है, ये ओरिजिनल है। इसमें अभी दो नंबर मार्केट में आई नहीं है, लेकिन गर्मी और सर्दियों की जो फार्मुलेशन है वो अलग होती है। बहुत से मेरे व्यूवर्स जिसमें लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड या भाई जिनका रंग ब्लैक है, चेहरे पे दाने हैं, वो एक बार इसे यूज़ ज़रूर करवाएं। आपको किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक की शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली अवेलेबल है, तो एक बार यूज़ ज़रूर करवाएं। इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं विद इन अ वीक। और ये क्रीम है, फेस वाश तो आपने इसके साथ इसी का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक आपने लेना है ये गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग सीरम, ये न्यू आया है, ये स्किन को बहुत ग्लो देता है। ये तो जेंट्स की क्रीम है ना, तो आप इसे किसी भी लेडीज़ क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। और ये चेहरे को बड़ा ग्लो देता है। आपने ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपने इसमें मिक्सअप करना है, ये सीरम आपने इसमें ऐड करना है। और मैं आपको क्रीम का बेनिफिट्स सब बता दिए, चेहरे पर दाने हों, निशान हों, वाइटनिंग के लिए बड़े इसके दाने जो हैं दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, और रंग ब्लैक है, वाइटनिंग का इशू है तो वो भी रंग भी फेयर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर नहीं। ये क्रीम जो है हर्बल, इसमें एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, स्किन को बड़े अच्छे तरीके से रिपेयर करती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसके कोई आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये खुद यूज़ करता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह इसे जानता हूँ, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट हैं। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता दूं। रात को सोने से पहले आपने फेस वाश के साथ पहले चेहरा वॉश करना है अच्छी तरह। टॉवल यूज़ ना करें क्योंकि अक्सर घर में कंबाइंड टॉवल होता है तो वो जम्स वगैरह लग जाते हैं। तो चेहरा आपने वॉश कर तो टॉवल ना यूज़ करें, चेहरा ड्राई करके क्रीम चेहरे पर लेप करनी है। ज़्यादा मलनी नहीं, मसाज नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्रीम है, ऐसे हल्की बारीक सी ना इसे लेप कर लेना, हल्की बारीक सी तय बना लेनी है, ज़्यादा मलना नहीं, मसाज नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये चेहरे पर मौजूद रहेगी तो ये अपना काम करेगी। लेप करके आपने सो जाना है, दाने वगैरह निशान वगैरह कवर कर लेने हैं, और हल्की सी नेक वगैरह पे भी लगा लें क्योंकि चेहरा वाइट और नेक ब्लैक ब्लैक हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो जाना है और सुबह उठ के आपने इसी फेस वाश से चेहरा वॉश कर लेना, और जब भी आपने चेहरा वॉश करना है इसी फेस वाश से करना है।
तो आप खुद ही देखिएगा 6-7 दिन के अंदर कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिले। ये ऐड करने से रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इसका नुकसान कोई नहीं है, आपने बेफिक्र हो गए यूज़ करना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मुझे कमेंट्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।